नमस्कार, मेरा नाम राम नरेश राय है। आज मैं आपको वीडियो शो ऐप्स के बारे में बताना चाहता हूँ। वीडियो शो ऐप्स एक ऐसा ऐप है जिसके जरिए आप वीडियो की एडिटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं और अनेक प्रकार के फंक्शन उसमें हैं। तो चलिए आइए देखते हैं वीडियो। अगर आप श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं तो सदस्यता लें बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और लाइक और शेयर बटन दबा। यूट्यूब के वीडियो में सामने पर्दे पर फोटो लगाने के लिए आओ सिखाते हैं कैसे लगाते हैं, क्योंकि यूट्यूब के वीडियो में अगर सामने फ़ोटो नहीं लगाओ तो वीडियो पहचानना मुश्किल होता है। तो ये हमने अपना वीडियो प्ले किया, जैसे ये हमारा वीडियो, इस वीडियो में हमें अपना फ़ोटो लगाना है यूट्यूब के पर्दे पर, क्योंकि फ़ोटो नहीं लगा हो तो वीडियो को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। कोई दूसरा भी नहीं पहचान सकता और हमें भी पहचानने में बड़ी मुश्किल होती है। तो यूट्यूब का वीडियो पहचानने के लिए और बताते हैं कि अपना फ़ोटो कैसे लगाते हैं। अपने आप फोटो में अपना नाम लिखा है, अपना फ़ोटो लगा है, जिससे वीडियो को पहचानना मुश्किल होते हैं। तो चलो ये वाला फ़ोटो हमें अपना लगाना है यूट्यूब के वीडियो के पर्दे पर। तो आइए बताते हैं कैसे लगाते हैं। तो इस फोटो को पहले वीडियो बनाएंगे, जैसे ये हमने अपने वीडियो ऐप्स खोल लिया, वीडियो शॉप प्लस दबाया, ये हमने प्लस दबाया, ये हमने फ़ोटो टच किया, अगला दबाया और अगला दबाने के बाद ये हमारा वीडियो फ़ोटो चलने लगा। तो ऐसे अब सेव करना है, एक्सपोर्ट दबाएंगे, ऊपर जो लाल कलर का दिख रहा है उसको दबाएंगे, अब गैलरी में सेव करें दबाएंगे, तो ये हमारा फ़ोटो से वीडियो बन जाएगा। ये हमारा सेव हो गया। अब इसे दिखाते हैं गैलरी में कैसे सेव हुआ। तो चलो फाइल प्रबंधन टच किया, अब ये हमारा ये वीडियो प्ले करेंगे, फ़ोटो का वीडियो इस तरीके से बनाते हैं। ये हमारा वीडियो चालू हो गया, ठीक है। तो अब इस फ़ोटो के वीडियो को अब इस को जब वीडियो के ऊपर वीडियो लगा देंगे तो सीधा गैलरी में यूट्यूब के पर्दे पर दिखेगा। तो चलो वीडियो निकालते हैं। ये हमने प्लस का आइकन दबाया, अब जिस वीडियो अब अपना वीडियो निकालते हैं वही वाला, ये वाला वीडियो, ये जो रोड का वीडियो हमने बनाया था ना, उसी पे फ़ोटो लगाना है। टच किया, ये अगला दबाया, ये रोड वाला वीडियो। अब इसके ऊपर पर्दे पर कहीं भी अपना फ़ोटो चिपका सकते हैं जो फ़ोटो का वीडियो बनाया था। तो चलो दिखाते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं, बीच में किनारे में लगा सकते हैं या साइड में लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं कि चलो हम अपना फ़ोटो बीच में ही लगाते हैं, बीच को रोककर। अब यहाँ पे देखो, पहले दबाया, सेटिंग दबा हुआ, एडिट करें जो लाल कलर बना हुआ है वो तो दबा हुआ है। अब ऊपर निकालेंगे वीडियो ओवरले, वीडियो ओवरले के फंक्शन द्वारा फ़ोटो वाला वीडियो चिपक जाएगा। ये वीडियो ओवरले हमने दबाया, अब प्लस दबाएंगे, ये दबाया हमने अपने प्लस, ठीक है। तो अब वही वाला फ़ोटो हमें चिपकाना है इस वीडियो के ऊपर, तो वो टच करेंगे, ये टच किया हमने फ़ोटो वाले वीडियो को, अब ठीक दबाएंगे, ये दबा दिया हमने ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमें छोटा बड़ा कर सकते हैं इस फ़ोटो को, किसी साइड में लगा सकते हैं, लेकिन हमें पहले फ़ोटो को बीचों बीच रखना है और फुल पर्दा से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर देना है फ़ोटो को, तो हमारा यूट्यूब के पर्दे पर ये फ़ोटो दिखाई देगा। यानी वीडियो से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा, ये देखो हमने वीडियो के पर्दे से
थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर दिया तो इसका आकार बड़ा होगा, तो ये YouTube के पर्दे पर यही केवल दिखाई देगा। ठीक है, ये देखो हमने लगा दिया, वीडियो के आकार से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये हमने आकार वीडियो के आकार से थोड़ा बड़ा कर दिया। अब इसको टच कर देते हैं और ऊपर राइट कर बटन दबा देंगे तो सेव हो जाएगा। सेव कर दिया। अब चलिए हम, अब ये देखो किसी भी साइट का वीडियो चिपका सकते हैं, फ़ोटो किसी भी साइज का लेकर अपने को वीडियो के आकार से थोड़ा बड़ा सा करना है तभी ये यूट्यूब के पर्दे पर दिखाई देगा होम पेज पर। ठीक है, मतलब वीडियो के, वीडियो नहीं दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। तो अब इसको एक्सपोर्ट करें, दबाते हैं, ये दबाया हमने, एक्सपोर्ट करें। पहले दिखाते हैं फ़ोटो कहाँ पर लगा हुआ है। ये देखो हमारा फ़ोटो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। ठीक है, अब इसे एक्सपोर्ट करना है, सेव करना है इसे पूरी तरह गैलरी में। तो एक्सपोर्ट करें दबाएंगे, ये दबा दिया, एक्सपोर्ट करें। चलो वीडियो अपना ये अब गैलरी में सेव करें। गैलरी में सेव करेंगे तो हमारा YouTube का वीडियो गैलरी में सेव होने लगेगा। ये देखो हमारा वीडियो गैलरी में सेव हो रहा है। तो सेव हो रहा है तो तब तक थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं और बस कुछ क्षणों में सेव होने वाला। सेव हो गया हमारा वीडियो। तो चलो अब बैक करते हैं और अपना गैलरी दिखाते हैं कहां पर सेव हुआ। ये हमने अपना फाइल मेमोरी खोला, ये हमने वीडियो टच किया, ये टच किया, वो देखो वीडियो में फ़ोटो दिख रहा है, वीडियो के अंदर वीडियो नहीं दिख रहा है, लेकिन प्ले करेंगे तो वीडियो चालू हो जाएगा। ये देखो चालू हो गया वीडियो। अब इस वीडियो के ऊपर हमने फ़ोटो लगा दिया है। ठीक है, ये देखो हमारा फ़ोटो आ गया, ये आ गया। तो अब इस वीडियो को चलो YouTube पर अपलोड करते हैं। तो अपलोड होने के बाद केवल यही फ़ोटो दिखाई देगा। तो चलो अपना YouTube खोलते हैं। ये हमने अपना YouTube खोल लिया और YouTube खोलने के बाद देखो ऐसा फील होगा। फिर इसके बाद अपना नीचे दिख रहा है प्लस का आइकन। चलो पहले YouTube और खिसकाते हैं। ये देखो नीचे सबसे बना है बीचों बीच प्लस का आइकन दिख रहा है आपका, धन का आइकन। तो इस धन के आइकन को दबाएंगे वीडियो अपलोड करने के लिए। ये है, अब वीडियो अपलोड करें लिखा है तो उसको दबाएंगे। ये देखो तो अपना वही वाला वीडियो टच किया जो प्रथम वीडियो है फ़ोटो वाला। देखो इस वीडियो को टच किया तो इसमें अपना फ़ोटो वही वाला आएगा। चलो चेक कर लेते हैं वीडियो में फ़ोटो लगा है कि नहीं लगा। ये देखो लगा है फ़ोटो में, वीडियो में फ़ोटो ये लगा है। ठीक है, तो अब इसे अपलोड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमने दबाया तो ऊपर लिखा है आगे बढ़ें, तो नीला वाला बटन दबाएंगे। अब नीचे लिखा है वीडियो अपलोड करें तो इसको भी दबाएंगे तो हमारा वीडियो अपलोड होने लगेगा। ठीक है, ये देखो हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है। अब लाइब्रेरी से चेक करेंगे कितना अपलोड हुआ। ये देखो हमने दबाया लाइब्रेरी और ऊपर वीडियो दिख रहा है। अब देखो अपलोड हो रहा है, तो अपलोड होने के लिए कुछ समय तो लगेगा। ये देखो हमने बैक कर लिया, फिर से लाइब्रेरी दबा दिया है, तो अभी वीडियो हमारा नहीं दिख रहा है। फिर से लाइब्रेरी दबाएंगे। ये देखो हमने लाइब्रेरी दबाया तो देखो हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है और YouTube के पर्दे पर हमारा फ़ोटो दिख रहा है, फ़ोटो के पीछे वीडियो लगा हुआ। तो जैसे फ़ोटो टच करेंगे तो हमारा वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो हमने फ़ोटो टच किया, वो हमारा वीडियो स्टार्ट हो गया। अब इसी प्रकार से आप वीडियो में फ़ोटो लगा सकते हैं YouTube के पर्दे पर।
यानी होम स्क्रीन पर सबसे पहले फ़ोटो ही देखेगा, फ़ोटो टच करेंगे तो वीडियो स्टार्ट होगा। इसी प्रकार से आप अपने वीडियो में भी फ़ोटो लगा सकते हैं। धन्यवाद।